तो हाँ यारो, आज मैं आपको ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में मैं क्या कोई भी सोच नहीं सकता, और ये जो इंसिडेंट है मैंने खुद विटनेस किया है। तो भाई होता यूँ है कि मैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर होता हूँ, जो दिल्ली गाजियाबाद लाइन वाला रेलवे स्टेशन है आनंद विहार का, वहाँ पर मैं ट्रेन स्पॉटिंग कर रहा होता हूँ। और शाम होते होते मैं सब जो मेरा सामान होता है वो पैक करके आनंद विहार का जो मेन स्टेशन है तो उसके प्लेटफॉर्म 3 की तरफ मैं जा रहा हूँ। तो आपने देखा होगा टूवर्ड्स नई दिल्ली साइड जब हम जा रहे होते हैं और आनंद विहार को क्रॉस कर रहे होते हैं तो ऊपर से 2 मेट्रो की लाइंस जा रही होती हैं अलग अलग, आपने शायद देखा होगा मेरा ख्याल से। तो उसी मेट्रो लाइन के नीचे ये इंसिडेंट होता है, उसी मेट्रो लाइन के नीचे जो दिल्ली गाजियाबाद लाइन है उसी के नीचे एग्जैक्ट। प्लेटफॉर्म दूर है और वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। मैं वही मेट्रो लाइन जिसके बारे में मैंने आपको बताया अभी, उसी के नीचे से ट्रैक क्रॉस कर रहा था और मैं जा रहा था ट्रैक को पार करके आनंद विहार की साइड, जो प्लेटफॉर्म 3 है, जो लास्ट वाला प्लेटफॉर्म है, उस तरफ मैं जा रहा था। और वक्त था करीब 7:30 बजे जब मैंने ये देखा। थोड़ी देर पहले मेमू ट्रेन और एक गुड्स ट्रेन क्रॉस हुई थी टूवर्ड्स दिल्ली साइड। तो मेरा ऐसा मानना है और जो वहाँ पे पुलिसकर्मी थे कि उसी के दौरान ही इस व्यक्ति ने अपनी जान दी है, क्योंकि यार ये जान ही दिया यार, इतना बड़ा हादसा है ना। आप देखिए, पहले आप देखिए फिर मैं आपसे बात करता हूँ। हाँ वही तो, हाथ दोनों कटा हुआ। पीछे ट्रेन आ रहे क्या? अच्छा एक मेरे को बात समझ नहीं आई सर, मतलब हाथ कटा कैसे होगा? मतलब फोन वो रहा उठाना है क्या फोन? मैं उठा दो तो हाथ लगा सकते, कोई वो तो नहीं है ना इसमें इशू वगैरह? हाँ फिर वो बोलेंगे तुम्हें उठाया कि फोन, उंगली टच करने उठा लूँ ना सर। शिबू लिखा हुआ सर, शिबू। हेलो, ये शिबू तुम कहाँ से बोल रहे हो? ये जिसका मोबाइल है तो इसका बाजू कट गया ट्रेन से, ठीक है? हेलो, ये आनंद विहार में है तो इधर मेट्रो ब्रिज के नीचे पड़ा है ये ट्रेन आ रहा है। हाँ आनंद विहार में, कहाँ कराने वाला लड़का है ये? अरे यार आनंद विहार स्टेशन पे हुआ क्या होगा मैं आपको सही बात बताता हूँ। आपने वीडियो में जैसे कि अभी देखा होगा कि एक बंदा का कॉल आ रहा है, मैंने उठाया है, मैंने पुलिस वालों को बताया ही है, उसने यही बताया। मैंने वो रिकॉर्ड नहीं करा पूरा क्लिप, रिकॉर्ड में उसने नहीं किया क्योंकि यार मैं खुद ही इतना टेंस हो गया था देख के सब कुछ। उसने ये बोला कि यार ये बंदा घर से स्ट्रेस था, मतलब बहुत टेंशन में था, लड़ाई झगड़ा करके आया है और कपड़ों से भी लग रहा था यार कोई लेबर वर्कर ही है। उसने अपने दोनों हाथ को ट्रैक के ऊपर रख दिए, शोल्डर के साथ इसका हाथ जो है पूरा कट गया। जब वो बंदा इतना तड़प रहा था ना, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, उसके पैर जो थे एकदम कांप रहे थे, पूरी बॉडी कांप रही है, ब्लड पूरा ट्रैक से ब्लड ही ब्लड है, आपने देखा होगा क्लिप में भी। मतलब उस बंदे ने कितनी हिम्मत से, वो हिम्मत भी क्या आया, मतलब बंदा स्ट्रेस है, गुस्से में है, तो उसने क्या कर दिया आप खुद ही देख सकते हैं। मेरा बस इतना सा ही मैसेज था जो मैंने शेयर करना था, यार गुस्से को प्लीज़ कंट्रोल में रखो यार, गुस्सा इतनी कुत्ती चीज़ है ना भाई। आपको बुरा लगे मेरे को पता नहीं, लेकिन गुस्सा इतना गलत है ना, मतलब बहुत ख़राब कर देती आगे जाके, तो उसे कंट्रोल में रखो और प्यार से रहा करो। सुसाइड किसी चीज़ का हल नहीं है यार, यार मतलब सुसाइड से बंदा क्या करेगा। शेयर करो बातें, यार दोस्त हैं तुम्हारे इतने, फैमिली है, उनसे शेयर करो बातें, काफ़ी हद तक मैं बता रहा हूँ आपको काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा यार अगर शेयर करोगे तो। बस यार आप लोग सेफ रहो, सुरक्षित रहो और खुश रहो। बस आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय।